कैसे आप लोग? सीटेट के उत्तर कुंजी जारी हो जाने के बाद कई प्रकार के प्रश्न हमारे और आपके जहन में उठे होंगे और उन सभी प्रश्नों का जवाब आज मैं लेकर आया हूं। सबसे पहला प्रश्न, सीटेट का क्वालिफाई मार्क्स कितना है? हम आपको बताना चाहेंगे, सीटेट का जो क्वालिफाई मार्क्स है वो है आपका, अगर जनरल कैटेगरी से हैं आप तो 19 मार्क्स, उसके बाद किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसका है 82 मार्क्स। ये सभी स्टेट के लिए मान्य है क्योंकि यह एक पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा की जो न्यूनतम मार्क है उत्तीर्ण करने की वह मार्क ये है। और अगर आपने उत्तीर्ण कर लिया है तो आप अन्य किसी भी व्यक्तियों के सलाह में कहने पर ना आइएगा, आप पूरी तरह से उत्तीर्ण हैं क्योंकि जब आपकी मार्कशीट आपको डिग्री लॉकर पर मिलेगी तो आप यहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, उस पर लिखा रहेगा क्वालिफाई। ठीक, अगला प्रश्न आपके जहन में आता है कि सर बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपत्ति करने योग्य हैं, आपत्ति करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे आपत्ति करना है और कौन कौन से क्वेश्चन आपत्ति के योग्य हैं। पहला प्रश्न ये है कि सर क्या जो आपत्ति करेंगे क्या उन्हीं के मार्क्स बढ़ेंगे? जी नहीं, आपत्ति होने पर क्योंकि सीटेट दोबारा रिवाइज आंसर की जारी करेगी, उस दशा में उन सभी अभ्यर्थियों को मार्क्स बढ़ेंगे जिन्होंने सीटेट की परीक्षा में प्रेजेंट रहे हैं या सीटेट की परीक्षा दिए थे, सभी के मार्क्स वो बढ़ेंगे या घटेंगे। अगर नंबर कॉमन होंगे तो सभी के लिए होंगे, नंबर बढ़ेंगे सभी के लिए बढ़ेंगे। बढ़ना घटना मतलब अगर विकल्प में परिवर्तन होता है तो सभी के विकल्प में परिवर्तन होगा, लेकिन जो भी व्यक्ति आपत्ति करेगा उसको उसका मोबाइल रोल नंबर और उसका DOB और प्रत्येक प्रश्न पर जो उसकी निर्धारित राशि है उसके आधार पर भी आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और आपत्ति दर्ज कराने के बाद उसके बाद आप पैसा लेने के लिए, वापस अपना पेमेंट लेने के किसी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकते। और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए हम आपको बता दें, आपको नेट की कॉपी, अन्य जो मार्केट में किताबें बिक रही हैं जिन किताबों को पढ़कर आपने भी परीक्षाएं दी थी, ऐसी किसी किताब को आपको आंसर कुंजी के रूप में नहीं स्वीकार किया जाएगा, साक्ष्य के रूप में नहीं स्वीकार किया जाएगा। ठीक, इसलिए आप सभी को करना क्या है, आपकी बुकलेट नंबर क्या है वो आपके रोल नंबर से खुल जाएगी, उसके बाद प्रश्नों की संख्या, आपत्ति वाला साक्ष्य और उसको सबमिट करेंगे। दूसरी बात, अगर आपको आपत्ति वाले साक्ष्य नहीं मिल पा रहे हैं तो आप मुझसे जुड़िएगा, हम अपने पास से उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो आपको यह पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि किन किन प्रश्नों पर आपत्ति की जा सकती है। और आप लोग आपस में मिलकर अलग अलग प्रश्नों पर अगर आपत्ति कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पैसे बच जाएंगे और आप बेहतर कुछ कर पाएंगे और सभी प्रश्नों पर आपत्तियाँ दी जा सकती हैं। अब आता है कि आप हमसे कैसे जुड़ेंगे। सबसे पहली बात कि अगर आपत्ति करने के लिए जिन्होंने हमारी नोट्स लिया था उनके पास सबसे बड़ा साक्ष्य होगा, क्योंकि जो मैंने आपको नोट्स दिया था वो पूरी तरह से ऑथेंटिक था, NCERT की बेस पे था। उससे भी बड़ी बात कि जब आज सीटेट का आंसर कुंजी आया है तो जो मेरे नोट्स में थे उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे वो एकदम पूरी तरह से दूध के दूध और पानी के पानी हो गए कि वास्तव में ई लर्निंग विद दुर्गेश के जो नोट्स थे वो बेस्ट नोट्स थे। यह मैंने नहीं कहा, जिन अभ्यर्थियों ने लिया था उन सभी अभ्यर्थियों ने व्हाट्सएप पर मैसेज करके हर सभी ने बधाया और हमने भी उन्हें बधाइयाँ दी और कहीं ना कहीं ये मेरे लिए एक बड़ी बात है। तो अगर आपके पास वो मेरे नोट्स हैं तो उस नोट्स को भी साक्ष्य के रूप में आप हमें हम तक बताएंगे और हम ये बताएंगे उस नोट्स को किस पेज से लिया गया है और किस किताब से लिया गया है, कौन से ऑथेंटिक बुक है, और आपको साक्ष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा कि कौन कौन से प्रश्नों पर आपत्ति की जाती है, की जा सकती है, इन प्रश्नों का जो विश्लेषण है इनको लेकर कल हम, कल का मतलब है आज की तारीख, सॉरी हमें तारीख भी तो नहीं याद है कि लगातार पढ़ाते पढ़ाते 24 जुलाई है, कल माने 25 जुलाई 12 बजे PM माने दोपहर 12 बजे हम इसी चैनल पे इलेनी बुद्रगेश YouTube पर अपने लाइव होंगे और हम आपसे सीधा संवाद करेंगे और हम ये देखेंगे या हम लोग ये बात करने का प्रयास करेंगे कौन कौन से प्रश्न आपत्ति करने योग्य हैं, किन किन प्रश्नों पे कॉमन नंबर होंगे, किन किन प्रश्नों पे सभी के नंबर बढ़ने की संभावना है, कॉमन मतलब सभी के नंबर बढ़ने, किस पे कम होने की संभावना है और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिसने आयोग ने सीधे सीधे गलत मान लिया, जिसके उत्तर आपको दुनिया की हर किताब में मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे प्रश्नों को भी आयोग ने गलत माना है। तो उन सभी के लिए आप सभी अपने पास ऑथेंटिक मैटर ढूंढ लीजिएगा। और एक बात, सभी लोग आप अपने सभी दोस्तों के साथ 12 बजे कल माने 25 जुलाई को सभी लाइव रहिएगा और इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग एक साथ आएं, ताकि हमें यह पता चले कि किन किन प्रश्नों पे आपत्ति करने योग्य है जिसमें सभी के नंबर बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं अकेला दिमाग में पूरी रात आपके लिए साक्ष्य ढूंढूंगा, प्रश्नों को कलेक्शन करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी अगर मेरी सहयोग करेंगे, मेरे साथ रहेंगे, इसका फायदा समूचे प्रदेश को मिलेगा, केवल
एक व्यक्ति को विशेष को नहीं मिलेगा। इसलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो लिंक को सभी को शेयर कर दीजिएगा। कल 25 जुलाई 12 बजे आप पूरी तरह से तैयार रहिएगा, किस लिए, ताकि कल हम आपके लिए यह बता सके किन किन प्रश्नों पर आपके नंबर बढ़ेंगे और आपत्ति कैसे की जानी, क्योंकि इसके बाद आपके पास कुछ घंटों का समय बचेगा। तो कल हम लाइव जरूर होंगे आपके सामने 12 बजे, करेक्ट 12 बजे, 10-5 मिनट आगे हो सकता है, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है तो 5-7 मिनट आगे पीछे समय लग सकता है, व्यस्तता हो सकती है, लेकिन मैं 12 बजे के आसपास आपके बीच लाइव होऊंगा और उम्मीद कर दूंगा आप भी रहेंगे, अपने सभी साथियों के साथ दिन में लाइव रहेंगे, क्योंकि यह समय ऐसा है जिस समय आपको मार्क्स बढ़ाने को लेकर सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना है, और मैं ये चाहूँगा कि सभी के मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और यह PNP के बाद अब CBSE भी एक ऐसा आयोग होता जा रहा है जो गलत प्रश्नों को पूछने का एक प्रचलन सा बनता जा रहा है, और हम आप अगर साथ खड़े नहीं होंगे, अगर आप एकजुट नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं यह प्रचलन लगातार बढ़ता रहेगा। और यह तो मुझे साफ नजर आता है कहीं ना कहीं ये पैसे कमाने के लिए एक तरीका बना लेते हैं, ताकि हम लोग आपत्ति करें, आपत्ति करने के चार्ज लगा के रखे गए हैं। तो ये मेरे देश का सौभाग्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, तो आपको साथ आना होगा। लड़ाई नहीं है, केवल आपको अपनी जो सत्यता है, जो आपने पढ़ा है, उस चीज़ को आयोग को बताना है। और आप हमसे कैसे जुड़ेंगे, इसके लिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा। अगर आपने इंस्टॉल किया रखा है तो ठीक है, नहीं इंस्टॉल किया है तो टेलीग्राम ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिएगा, वहाँ पे सर्च करिएगा दुर्गेश, बिना स्पेस दिए आप दुर्गेश सर जब सर्च करेंगे, फिर उसके नीचे आ जाएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश। जैसे ही ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, आप उसे तुरंत आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जब ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको हम एक ही स्थान पर हम कोई भी मैटर डालेंगे तो आप तक सीधा पहुँच पाएगा। सबसे बात ये, क्योंकि आप अगर मुझे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो मुझे भी तो साथ ढूंढने हैं, मेरे पास भी तो आपके लिए ही काम है, मैं भी तो आपके लिए काम करूँगा, तो मैं फ़ोन उठाऊँगा या आपके बात करूँगा, तो मुझे जो साथ आपके द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे मैं इन नंबरों पर या इस जगह में फॉरवर्ड कर दूँगा। और साथ ही साथ अपने फेसबुक पेज इलेनी बुद्रगेश, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह इलेनी बुद्रगेश पर हम आपको साथ जो मेरे पास आएगा मैं उपलब्ध करा दूँगा। और लेकिन सबसे पहले कल हमें 12 बजे तक का इंतजार करना, क्योंकि 12 बजे हम आपके साथ लाइव होंगे, ठीक। लेकिन फिर भी यदि किसी प्रकार कोई संशय है, यदि लगता है कि बिना मेरे बात के नहीं हो पाएगा, तब आप यथास्थिति में कॉल मुझे कर सकते हैं 9506701777। जब आपको लग जाए कि नहीं, वास्तव में स्थिति ऐसी बन गई है कि हमें दुर्गेश सर को कॉल करनी चाहिए, उस दशा में आप 9506701777 हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक। अगर हमें व्हाट्सएप करना चाहें तो हाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। और फिर भी यदि आपको कोई साक्ष अगर हम तक पहुंचाना है, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे आप टेलीग्राम से ही जुड़िएगा, क्योंकि टेलीग्राम से जुड़ेंगे तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे 7355179012, ठीक। तो ये सारा मैं आपके लिए इसीलिए आया हूँ ताकि आपको किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। और हाँ, अगर जो इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिए हैं उन सभी को इलेनी बुद्रगेश की तरफ से ढेर शुभकामनाएं, और जिस विजय रथ पर बढ़े हैं लगातार इसी रेस के साथ अग्रसर रहें और जिंदगी की उन बुलंदियों तक पहुँचे जिनका ख्वाब उनके माँ बाप, स्वयं वो, उनका परिवार, उनके सहपाठी देखते थे, वह उस मंजिल तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। और सबसे बड़ी बात, आप सभी ने मुझे उस बात का धन्यवाद दिया कि हमारे नोट्स आपके सबसे बड़े कारगर रहे थे, उसके लिए मैं पुनः आपको सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे नोट्स बेहतर इसलिए थे क्योंकि आपने पढ़े, अगर आपने पढ़े ना होते तो शायद वह उस योग्य नहीं थे। आपने पढ़ा, इसलिए आपके लिए, मेरे लिए ये गर्व की बात है, ये आपका बड़कपन, इसका श्रेय मुझे दे रहे हैं, इसका श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपने मेरे नोट्स पर भरोसा किया, उस पर अपना बेस्ट दिया, और वास्तव में नोट्स उस योग्य थे ये नहीं थे, ये आपका परीक्षा का मार्क्स आपको बता दिया कि वास्तव में इलेनी बुद्रगेश के नोट्स ऑनलाइन क्लासेज बेहतर थी। हाँ, थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी कमी है, लेकिन क्वालिटी से नहीं, आपको कंटेंट से मतलब है, आपको कोचिंग से नहीं, आपको सिलेक्शन से मतलब है। इसलिए यदि आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है UP TET सुपर टेट की, तो आपका मोस्ट वेलकम है। और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है वो है, आप पे हम लिख दे रहे हैं 6306344367, जहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लास सभी नोट्स उपलब्ध है, ठीक। यदि आपको लगता है नहीं नहीं इलेनी बुद्रगेश के नोट्स बेहतर कारगर है, तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप नोट्स ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और नहीं ले सकते उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप तैयारी स्वयं जिस रेस से कर रहे हैं उसी रेस से आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि मैं आज आपके साथ लाइव हूँ फिर दोबारा भविष्य में लाइव नहीं होऊंगा, इसीलिए मैं इस दावे के साथ पढ़ाता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे, अगर पूरी मेहनत से पढ़ेंगे तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज इसलिए है क्योंकि मुझे अपने
अपने ऊपर और अपने स्टाफ के ऊपर इस बात का भरोसा है, लेकिन उससे ज्यादा भरोसा आप पे है कि आप भी मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और मेरे द्वारा दिए गए नोट्स को पढ़ेंगे और मेरे द्वारा बताए गए टाइम से ज्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि सफलता का बस एक ही मंत्र है, सही दिशा में सटीक निशाना और उसके लिए कड़ी मेहनत, और वो आप जरूर करेंगे। तो फिलहाल आप सभी को सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक, जिनका 82 से कम है, 90 से कम है, अफसोस ना करें और पुनः उठे और तब तक भागे जब तक वो रेस को में अव्वल नहीं आ जाते, क्योंकि यह एक छोटी सी परीक्षा है, एक परीक्षा आपकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता। आप किस योग्य हैं यह पैमाना आपके सिलेक्शन भी देखेगा, और आगामी यूपीटेट है, अपनी गलतियों को सुधारिएगा, एक अच्छी संस्था को ज्वाइन करिएगा और अपनी जिंदगी का बेस्ट दीजिएगा, क्योंकि सफलता किसी भी व्यक्ति के कल्पनाओं की मोहताज नहीं होती, वह होती है तो केवल मेहनत की, और आप मेहनत करेंगे तो आपकी सफलता आपके चरणों में, आपके कदमों में होगी। लेकिन हाँ, उस मेहनत के साथ साथ दिशा सही होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो IAS पढ़ाते थे, PCS पढ़ाते थे, बैंक पढ़ाते थे, रेलवे पढ़ाते थे, SSC पढ़ाते थे, लेखपाल बैंक, आज वो TT पढ़ा रहे हैं। मतलब इस तरह से लोगों की मानसिकता हो गई, मुझे कहने में बड़ा खुद को संकोच आ रहा है। लोग बड़ी बड़ी कोचिंगें चलाते थे और आज TET-CTET की बैनर लगा लिए। क्या ये पॉसिबल है कि जो SSC का, जो IAS का पर्यावरण पढ़ाता था, क्या UPTET का भी पढ़ा सकता है? क्यों? क्योंकि दोनों के स्तर अलग हैं। यार, हम अगर अच्छे घुड़सवार हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम अच्छे पेंटर हो सकते हैं, ठीक। अगर कोई एक अच्छा क्रिकेटर है तो जरूरी नहीं है कि एक अच्छा फुटबॉलर हो सकता है। इसलिए जो जिस क्षेत्र में बेहतर है उसी क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पे अभ्यर्थियों के साथ, उनके करियर के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है कि एक ही अध्यापक जो SSC में पढ़ाता था, IAS में पढ़ाता था, PCS में पढ़ाता था, बैंक, रेलवे, सब कोचिंग पढ़ा रहा है, और जैसे कोई भर्ती आती है नया सब बना लगा देता है। तो इन लोगों से भी आप बचे रहिएगा और खुद से मेहनत करिएगा, अपनी जिंदगी का बेस्ट दीजिएगा, सफलता आपके कदमों में जरूर होगी। इसलिए इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और उनको भी शुभकामनाएं जो इस नंबर को पाने से वंचित रह गए, क्योंकि अभी ये शुरुआत है आपकी, अभी तो आप वो कर सकते हैं जो कभी आपने सोचा भी नहीं था, क्योंकि आपके पास जुनून है, जज्बा है, और मेहनत करने का एक जो कहते हैं ना अंदर से, वो पैसा है आपके अंदर, क्योंकि सामने आपके रखा गया है क्या, आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा। अभी मैं कह दूं, यह दीवार आप तोड़ दीजिए, तोड़ेंगे नहीं, कहेंगे सर कैसे तोड़े, क्यों तोड़े, अच्छा कितने दिन में तोड़ना है, लेकिन अभी यह कह दिया जाए इस दीवार के उस पार 1 करोड़ रुपया रखा है, तो मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा दीवार कैसे टूटेगी, मुझे यह भी नहीं करना पड़ेगा ऐसे तोड़ना है, आप खुद दीवार तोड़ देंगे और एक साथ लगेंगे। इसलिए क्योंकि उसके बाद आपका एम है, मोटो है आपका, वो मोटो क्या है, 1 करोड़। यहाँ आपका मोटो है एक सहायक अध्यापक बनना। इसलिए आप बेहतर करेंगे तो मुझे भी इस बात की उम्मीद है कि आप लाइफ में जरूर बेहतर करेंगे, और क्यों ना करें, आपके माँ बाप आपसे उम्मीदें जो लगाए हैं, आपकी खुद की कैरियर है और आपको खुद पे तो भरोसा है, इसलिए आप अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि हजारों मील लंबी यात्रा एक छोटे कदम से शुरुआत होती है, और उस कदम की शुरुआत मैंने भी कर दी, अब आपकी बारी है और आप भी शुरुआत करें और चलते हैं मंजिल की तरफ। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कल मिलते हैं 12 बजे दोपहर को, आप भी तैयार रहिएगा, मेरे YouTube चैनल इलेनी बुद्रगेस स्वयं जुड़िएगा, सभी दोस्तों को जुड़िएगा, क्योंकि कल हम लोग करेंगे CTET का ऑपरेशन, CTET के प्रश्नों का एक बड़ा ऑपरेशन। तो ठीक, मिलते हैं कल 12 बजे इसी चैनल पर इलेनी बुद्रगेस पे, और आपका इंतजार करेंगे हम और आपके सभी साथियों का इंतजार करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।